नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी, जिसे आप आसानी से घर में बना सकते हैं। वेज बिरयानी बनाने के लिए हम आधा किलो राइस लेंगे। हमने इसके लिए सैला राइस लिया है, आप चाहे तो इसके लिए बासमती राइस भी ले सकते हैं। और राइस को हम अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद इसे आधे घंटे के लिए भिगा देंगे। हमने 200 ग्राम दही लिए और उसमें हमने थोड़ी सी क्रीम मिलाई है, आप चाहे तो क्रीम की जगह दूध भी मिला सकते हैं। फिर हमने धनिया लिया है, दालचीनी ली है, मोटी इलायची ली है, छोटी इलायची ली है, तेज पत्ता लिया है, लौंग लिया है, काली मिर्च ली है, पनीर, गाजर, फूल गोभी, पुदीना, बीन्स और सोया बड़ी ली है। और इसके लिए हमने दोनों जल लिए हैं, गुलाब जल और कोहरा जल। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, देसी घी लिया है और हरी मिर्च ली है। राइस बॉयल करने के लिए हम सबसे पहले पानी कराएंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें थोड़ा सा तेज पत्ता, दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा, काली इलायची, हरी इलायची और थोड़ा से लौंग डालेंगे और काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसमें 2-3 स्लाइस नींबू के डाल देंगे। पानी पे बॉयल आ गया है, इसमें हम जो राइस भिगा रखा था उसे छान के इसे राइस डाल देंगे। और जब तक हमारा राइस बॉयल होता है तब तक हम दूसरी साइड में इसका मसाला बनाएंगे। राइस में हमारा थोड़ा नमक डालना रह गया था, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। और इधर हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज को हम धीरे धीरे करके चलाते रहेंगे और प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अगर इसे हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो निकलने के बाद भी थोड़ा ब्राउन हो जाता है, ये तो ये काला हो जाएगा। प्याज हमारा ब्राउन हो गया, अब हम इसे निकाल देंगे। सोयाबीन फ्राई करेंगे। सोयाबीन को हमने पहले से भिगो के रखा था और इसे अच्छी तरह से निचोड़ के हम फ्राई कर रहे हैं। सोयाबीन बड़ी हमारी फ्राई हो गई है, अब इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें फूलगोभी फ्राई करेंगे। फूलगोभी को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसे हल्का ही फ्राई करेंगे क्योंकि फूलगोभी हमारी कुछ बिरयानी में दम लगाते टाइम भी पक जाएगी। इसके बाद हम हल्का सा पनीर को फ्राई करेंगे।
पनीर को हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे, अलग अलग चेंज हो जाए। पनीर हमारा फ्राई हो गया, अभी इसे निकाल देंगे। अब हम अपना राइस भी चेक कर लेते हैं कितना पका है। राइस को हमने 80% ही कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, उसे हल्का सा कच्चा रखेंगे क्योंकि जब हम दम मराएंगे तो कुछ उस टाइम भी पक जाएगा वो। राइस हमारा बॉयल हो गया, अब इसे हम छान लेंगे। इसमें जो हमने नींबू के स्लाइस डाले थे उन्हें निकाल देंगे। राइस हमारा छन गया, और इसके लिए हम थोड़ा सा धूल लेंगे और उसमें केसर डाल देंगे जिससे हमारा कलर और इसका जो फ्लेवर आता है वो भी बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हमें इसे मिक्स करके साइड में रख दीजिए। अब हम दम मारने के लिए पतीला रखेंगे और इसमें देसी घी डालेंगे। और इसमें हम खड़े मसाला डालेंगे, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग इलायची और काली मिर्च, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से भून देंगे। थोड़ा ब्राउन होने तक होने के बाद इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे जिन्हें हमने बीच से फाड़ रखा है, और इसमें ब्राउन ऑनियन डालेंगे जो हमने अभी ब्राउन किया था ऑनियन, और उसके बाद हम इसमें दही और जो हमने क्रीम मिक्स की थी उसे डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें मटर डालेंगे और जो भी हमने सब्जियां फ्राई की थी वो डाल देंगे इसमें, और पनीर को नहीं डालेंगे इसमें, पनीर को बाद में डालेंगे क्योंकि पनीर को भी डालेंगे तो टूट जाएगा। फिर हम नमक डालेंगे, नमक हमने पहले भी डाला था उस हिसाब से डालेंगे। नमक, आधा टेबल स्पून किचन किंग, आधा टेबल स्पून गरम मसाला और आधा टेबल स्पून लाल मिर्च और आधा टेबल स्पून तेगी मिर्च और आधा टेबल स्पून हल्दी और आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से मिला देंगे और थोड़ी देर पका लेंगे जब तक मसाला को पक न जाए। उसके बाद इसमें धनिया डालेंगे और पुदीना डालेंगे, अब इसे अच्छे से पका लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, उसके बाद हम इसका कुछ मसाला निकाल देंगे। इसके बाद हम इसमें आधा राइस डाल देंगे लेयर बनाने के लिए, आप चाहे तो इसमें एक लेयर भी बना सकते हैं। इसके राइस के ऊपर हम पुदीना डालेंगे और धनिया डालेंगे, अदरक का लच्छा डालेंगे, और इसमें जो हमने केसर दूध बनाया था वो डालेंगे, और इसमें हमने फूड कलर डाला है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें केवड़ा जल डाला है, केवड़ा जल डालने से हमारी बिरयानी से कुछ बहुत अच्छी आती है, और ये रोज वाटर है। इसमें सौंफ पाउडर डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर, और उसके बाद जो हमारा सब्जी हमने निकाल के मसाला वो डाल देंगे और पनीर डालेंगे।
और इसके बाद हम फिर इसमें जो हमारा बचा हुआ राइस है वो डाल देंगे। उसमें फिर हम पनीर डालेंगे और पुदीना डालेंगे, धनिया डालेंगे, अदरक का लच्छा और एक फूड कलर और केसर दूध और एक ब्राउन ऑनियन। उसके बाद हम इसमें से इलायची पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। उसके बाद हम इसमें गुलाब जल और केवड़ा जल डालेंगे। उसके बाद इसके ऊपर से देसी घी दम लगाने के लिए हम जो मिक्सर ढक्कन है उस पर ऊपर से आटा लगाएंगे ताकि इसकी जो भाप होती है, स्टीम होती है, उसको बाहर नहीं निकले और दम अच्छे से लगे। जो हमारा ढक्कन है उसमें आटा लगा लिया तो इसका ढक्कन अच्छे से मार देंगे इस पर और इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि इसका साइड से जो आटा है वो बाहर निकले और इसका जो ढक्कन की लीड अच्छे से बन जाए और जो इसकी स्टीम है वो बाहर ना आए। और उसके बाद इसके ऊपर कुछ वजन वाली चीज़ रख देंगे। हमने जो इसके ऊपर पतीला रखा उसमें पानी भर के रखा है ताकि जो इसके अंदर दम है वो अच्छे से और आधा घंटे तक इस पर दम लगाएंगे। अभी से आधा घंटा हो गया तो इसे हम खोलेंगे तो अच्छे से दम लग गया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी भाप आ रही है इसके बाद। उसके बाद हम राइस को चेक करेंगे और जिसका आटा है उसे निकाल देंगे। राइस को आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉयल होती है और इनका कलर कितना अच्छा रखा है। जो हमारे राइस है बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, बन पे बहुत अच्छे दम लग गया है। आप प्लेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसे रायता या सालन के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।